अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पूरी टीम की तरफ से जी। यकीनन आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह उस पाक ज़ात की करम से सब जगह सब खैरियत है। वीडियो आपने देखी? बिल्कुल। आपने बकायदा देखा होगा कि हर दीवार पे ही लिखा हुआ है कि मकान बराए फरोख्त। जबरदस्ती बेचना। सर जबरदस्ती क्या, बेचारे हर तरह से कोशिश कर रहे हैं बेचने की। एक तो होता है ना कि नहीं बिकरा नसीब की बात है, एक बात होती है कई बार टोकन हो गया, कई बार बिक गया, कई बार पार्टियां आ गई, पैसे आधे कर दिए, कम कर दिए, लेकिन मकान जगह बिकती नहीं है, खरीदने वाले भाग जाते हैं। तो ये भी खरीद के फंस ही गया होगा। ये इन्होंने ले लिया और उस वक्त तो कोई मसला नहीं हुआ, इनके लेने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब ये बेचना चाह रहे हैं और कहते हैं कि हम बेच नहीं पा रहे। वहां पे एक तो होता है ना कोई मसलों की वजह से इंसान नहीं बेच सकता कि जगह ठीक नहीं है, दूर है, मसाइल हैं, वो नहीं, कहते हैं जिन्नात हैं जो बिकने नहीं देते। तो क्या करते हैं? मारते हैं। मारते हैं, मारते हैं, लोग भाग जाते हैं डर के, चीखें आती हैं, पत्थर पड़ते हैं। कई बार बेचने की कोशिश की लेकिन बिक नहीं पाते। ऐसा तो नहीं है कि जगह को बदनाम करके देने वाला दे के चला गया? मैंने भी यही पूछा कि हो सकता है कि जी थोड़ी वैल्यू डाउन और कोई दुश्मनदारी में कुछ में। अक्सर हमने ये सुना होगा कि कुछ खाली जगह होती है जिनको आबाद नहीं किया जा सकता। इसी तरह ये बेचारे बेचने से पहले ही उस सिचुएशन में आ गए हैं। होता ना कि अगर बेच दिया तो वो आबाद होगा, आबाद नहीं होने देना चाह रहे कोई भी इस जगह को, और कहते हैं कि लोग आते हैं देखने, उल्टे पांव वापस भाग जाते हैं डर के मारे। तो ऐसे तो नहीं कि मोहल्ले में ही सिर्फ खरीदार हो, बाहर से कोई आया हो, जिस तरह ये आ गए, ये भी तो किसी के हाथ में आ ही गए ना। मतलब ये तो पूरे इलाके में इतना मशहूर हो गया है कि कोई रह ही नहीं सकता, बिक ही नहीं सकता, किराए पे नहीं जा सकता, कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकते आप उस जगह को। अब हमसे ये कहा गया कि आप आके देखेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई नजर ना आते हुए भी ना महसूस होगा कोई है यहाँ पर जो आपको टिकने नहीं देगा इस जगह पर। खरीदना, रहना, किराए पे देना तो बहुत दूर की बात। ये तो समझ आता है कि रातों को सामान उठा के फेंक दिया जी, गिरा दिया, रात को डरा दिया, बच्चों को फेंक दिया, मतलब ये मारने वाली बात तो ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि भाई कहते हैं कि पता नहीं उड़ते हुए लोग आते हैं बाहर, उनको फेंक दिया जाता है, और ऐसी जगह जो बिक नहीं सकती। तो आसपास 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 की जगह है ना, सामान भी बाहर आ जाते हैं। तौबा। अच्छा तो ये नहीं मतलब आसपास भी कोई जगह नहीं है साथ में? आसपास है, फासले फासले पे लोग रह रहे हैं। अच्छा। आबाद भी है, प्लॉटिंग भी हुई हुई है, आसपास है, रिहाइश भी है, लोग रह भी रहे हैं, लेकिन इधर जो है ना मसाइल। अच्छा एक ख्याल ये भी है, कहते हैं जब हमने लिया तब सब ठीक था। अच्छा। कोई मसला नहीं था, जब हमने किसी और को देना चाहा या कोई और आके रहे आबाद करे तब से मसले शुरू हो गए। फिर मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा आपने किसी को दिखाया? कहते हैं हाँ एक से बात हुई, उसने ये भी कहा कि हो सकता है किसी ने बंदिश कर दी हो। अच्छा। तो ये टाइम बहुत है कि वो हर मामला को सिर्फ बंदिश में ले जाते जी, तो जादू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना। लेकिन मैं वाकई देखा हर दीवार पे, इसी घर की हर दीवार पे लिखा हुआ है मकान बराए फरोख, मकान बराए फरोख, और लेने वाला नहीं है यार। जाहिर सी बात है कि इतना बदनाम हो चुका होगा, यानी छोटी सी जगह होती है ना तो आपको पता है वो मामूली सी मामूली बात भी जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। नहीं बात ये तो लोगों ने तस्दीक भी की होंगी, कई बार तस्दीक की होगी, कई बार कोशिश की होगी, ऐसे थोड़ी मान लिया होगा कि हाँ जी कोई मसला ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बात से तो इत्तेफाक करता हूँ मैं आपके, कई हुए होंगे वाकया कि रातों को वो बाहर भागे होंगे तो आस पास के लोगों के घरों पर रात गुजारी होगी उन्होंने, ये भी हो सकता है। मतलब यहाँ तक भी उन्होंने कहा, एक दो को कहा कि हम बेच रहे हैं लेकिन महसूस होता है कोई असरात के मामले हैं, कह के उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि किसी को धोखे में रखा। खरीदने वालों ने बोला कोई मसला ही नहीं है, कम पैसों में मिल रहा है ले लेते हैं, कहते हैं हम संभाल लेंगे, इसकी फिक्र ना करें आप। होते नहीं है जो कि कोई टेंशन ही नहीं है, जिन्नातों को हम देख लेंगे, हमसे बड़ा जिन कोई नहीं। देखा है मैंने ऐसा, है ना सर, वो भागे हैं वहां से। लेकिन ये सर तो ये बात समझ जाए, इससे पहले लोग भागे, दो पार्टी भाग गई, तीन पार्टी भाग गई, लेकिन ये जो बंदा आया है इस वक्त जो इसे सेल करना चाहता है, इसे रहने भी दे रहे हैं और सेल भी नहीं करने दे रहे हैं, ये बात समझ से बाहर है कि इसने क्या ऐसा अच्छा काम कर लिया इसके उनके लिए। मेरे ख्याल से एक होता है ना कि शायद किसी और को नहीं, और ये भी है तो खाली वो घर,
लेकिन खरीदने में इन्होंने खरीद लिया, ले लिया, शायद दूर दूर से आए, नहीं विजिट नहीं किया, अभी रिहाइश नहीं है इनकी। अच्छा, रखा था सामान, जैसे कामरान भाई बता रहे हैं कि सामान भी बाहर है, ऐसा ही हुआ है? जी जी। क्या हुआ था भाई? अंदर से ना, मतलब कोई अलमारी से छोटी जो चीज है ना, भारी नहीं है, वो उछल उछल के बाहर आ रही है। वही वाला सीन नहीं लग रहा जो न्यू कराची में सामान बाहर फेंक दिया था उनका? बहुत बड़ा सीन याद है, रोड पे सामान रखा हुआ था। शाज भाई लगाइएगा वो तस्वीर उसकी, जो हम पहुंचे थे उरूज के दिन थे कोविड के, और बाहर रोड पे वो सामान लेके बैठे हुए थे कि लोगों ने देखा था कि सामान कोई फेंक रहा है, ऊपर से फेंक रहा था, नजर नहीं आ रहा था। परेशानी, उनका चेहरे, उनकी बातें कि अब कहाँ जाएंगे उनको। तो आपने, हम लोगों ने कह दिया था हमारे घर पे रह लो भाई, अगर घर नहीं मिल रहा, लेकिन शुक्र है मिल गया था उनको, तो अल्लाह महफूज रखे जी। हो जाते हैं ऐसे मामला वाकयात के, नजर नहीं आते लेकिन टिकने नहीं देते आपको, रहने तो नहीं उसके देते। बाद से मेरे ख्याल से वो घर बिका भी नहीं है, वरना रेंट पे गया हो शायद, शायद अभी भी सही हो। यही तरीका होता ना साथ में, वो एक बात कहीं आस पास पड़ोस में किसी के मकान में भी चली गई, इसके बाद तो वो किस्सा ही बिल्कुल तमाम हो जाता है उस जगह का। अब मुझे महसूस ये होता है कि बहुत से ऐसे वाकयात हुए होंगे खरीदने वालों से, पार्टियों से, ब्रोकरों के साथ, जो हमें नहीं पता। ऐसी थोड़ी यार इतना हो गया होगा मशहूर के बिक नहीं सकता, तो कोई ऐसी बात है जो छुपाई जा रही है, कोई बड़ा वाकया हुआ होगा। तो मुझे लग रहा है कि कोई जाहिर हुए होंगे या कोई सामने आए होंगे, हुआ होगा कोई निशान पड़े होंगे, शायद आवाजें आई होंगी, कोई जुमले कहे गए होंगे। ऐसी थोड़ी यार कि कोई इतना जमीन प्लॉट आपका और इतना वो हो जाए कि जी नहीं, और भी वाकयात होंगे बहुत सारे होते हैं ऐसे। ये भी हो सकता है, यहाँ भी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये काले रंग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। ये अपनी जो चीजें हैं वो छोड़ देते हैं ना वहाँ पे परेशान करने के लिए, खाली कर दे उसे, तो ये भी एक है कि वो कोई हो दुश्मन इनका। ये इलाका कौन सा है जहाँ जा रहे हैं हम? ये गगर पाठक से थोड़ा पहले है। गगर पाठक कहाँ है? टट्टा से पहले जो पुल है ना, पुल के नीचे से लेफ्ट हैंड पे जाना पड़ेगा, पुलिया के नीचे से। तो जी ये सिंध में ही जी ठट्टा के पास वाकई ऐसा घर है जी, जहाँ पर जिन्नात का ऐसा कब्जा हो चुका है कि वो जो है किसी को टिकने नहीं दे रहे, किसी को रहने नहीं दे रहे। इस तरह का मामला हो गया कि बाकायदा लिख दिया गया है उस जगह के बाहर कई जगहों पे कि जी मकान बराए फरोख्त, मकान बराए फरोख्त, लेकिन वो बिक नहीं पाता। मुझे तो ऐसा लगता है कि असल बात जो है वो जिस पे हम बात कर रहे हैं जिस मौजू पर, ये वहाँ जाने के बाद ही भी सारी बातें क्लियर होंगी। एक तो हमने सुना है ना कि जी ऐसे कब्जे होते हैं कि रहने नहीं दिया जाता, रात में नहीं आ सकता कोई, और कोई बेहतियाती करता है तो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि वो बिकने ही नहीं दे रहे, या तो कुछ हुआ है ऐसा सुहेल में, कोई गलती हुई है ऐसी जिसके बाद वो इतने सख्त हो गए कि अब ये जगह जो है ना किसी को हम इस्तेमाल करने नहीं दे रहे। साथ में कि हम जितनी बातें करेंगे, जितने पॉइंट निकालेंगे इसके अंदर से, जब तक हम खुद नहीं जाएंगे ना वहाँ, असल जैसे कि हमेशा यही हुआ है कि हमारे जाने के बाद ही असल कहानी भाई। वो तो कह रहे हैं बंदे उड़ते हुए बाहर आते हैं, अस्तगफुरुल्लाह, अब हम क्या करें।
वो कह रहे हैं सिर्फ सामान नहीं भाई, बंदे भी उड़ते हुए बाहर आते हैं, ऐसी जगह जाओगे बाहर आओगे उड़ते हुए हवा में। और ऐसा हुआ भी एक दो जगह पे यार, वो पिंडी में भी तो यही हो रहा था, यही हुआ था, जिन्होंने बुलाया था, जिन्होंने बुलाया था हमें कि दिन में टाइम देख के 5 मिनट गुजार के दिखा दे अंदर, याद है ना। हाँ हाँ, इनामात भी बड़े रखे थे हमारे लिए, उम्रा हो जाएगा और बहुत सारी। खैर मतलब शुक्र है उनका काम अल्लाह ने कर दिया, कर दिया, वैसे। कर दिया। तो अब ये है कि भाई पहले बाहर से देखते हैं, आसपास से पता करते हैं, कोई मिल जाता है तो उससे बात करते हैं, देखते हैं कि असल वजूहत क्या, असल कहानी क्या है। ये ओनर से बात हो गई जी, वो हर जगह लिख दिया उन्होंने, मकान बराए फरोख्त हर दीवार पे लिख दिया उस घर की, इतने परेशान हो गए हैं वो इस जगह से। लेकिन वो जो आ रहा है, कोई ना कोई मसला हो जाता है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, वो बिकता नहीं है, बिकता नहीं है, ना खुद इस्तेमाल कर पाते हैं, ना बेच पाते हैं, ना किराए पे दे पाते हैं। चलें देखते हैं सर, अल्लाह आसानी करे। क्योंकि देखे हम शहरी शहर से देखते हैं ना, हमारे लिए उस जगह की इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो वो खुद रह रहे होते हैं ना, जैसे आपका इलाका है, वो आपके इलाके में भी आपको पता है कि भाई करोड़ों की जगह है। बिल्कुल, हम हमारे लिए नहीं होगी वो, लेकिन जिसका इलाका होगा ना, वो कहेगा मुझे दे दो भाई, इतने में दे दो, उनके लिए तो बहुत वैल्यू है उसकी। अच्छा यहाँ भी ना पहाड़ी सिलसिला एक है जो वो ही है मुस्तकिल, यहाँ से कितना सफर बाकी है कामरान भाई? ये सर भाई कम से कम 20 मिनट। अच्छा जी, 20 मिनट मजीद है। जी जी, बहुत चलते हुए आ रहे हैं यार। ये आबादियाँ देख रहे हैं आप, जैसे वक्फे वक्फे से आबादियाँ नजर आ रही हैं आपको, शेड भी देख रहे हैं, बर्बाद हुए हैं, खत्म हुए हैं शेड है। ऐसे ही जो है ना, मेरे ख्याल से वो आबादी है। दोबारा बता देता हूँ जी आपको, कराची से बुलवाया गया है हमें कि ऐसा घर जहाँ पर इस किस्म का कब्जा है जिन्नात का, जो किसी को वहाँ रहने नहीं दे रहे, उस जगह को बिकने नहीं दे रहे, किराए पे नहीं चढ़ने दे रहे, किसी तरह से इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, दीवारों पर हर दीवार पर लिख दिया गया है मकान बराए फरोख्त, लेकिन मकान फरोख्त नहीं, फरोख्त नहीं हो पा रहा, रह नहीं पा रहे, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये तो हमें बताया, सामान बाहर आ जाता है, लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, लोगों को देखा गया है हवाओं में बाहर आते हुए वहाँ से। उसके अलावा क्या वाकयात हैं वहीं के लोग जो है ना, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे हमें। हैं तकरीबन जी हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, इसी एरिया के अंदर ही वो घर है, आप देख रहे हैं आबादी है, रौनक भी है, आना जाना भी है, लेकिन ये यहाँ के लोकल हैं जी, हमें लेके जा रहे हैं सामने, वो देख सकते हैं, उस बाइक को फॉलो करना है हमें। काफी घर बने हुए हैं, लेकिन आप देख लें कि रोड जरा कच्चा सा है, वैसे ही पहाड़ियाँ जैसे हमारे यहाँ बन रहा है इलाका, लेकिन आगे घर काफी बने हुए हैं। अच्छा नोट कर रहे हैं, ये भी जंगल में ही एक तरह कोशिश की है इसको करने की, चल रहे जो वैसे तो नहीं, वो साइड पर जब गए थे बाद में पता चला था कि वो कब्रस्तान था पहले, हो सकता है ठट्टा तो वैसे ही बहुत कदीम शहरों में आता है हमारे, क्या पता हो भी। अब यार इन मकानों में कोई एक मकान ऐसा हो सकता है कि देखे कई मकानात बने हुए हैं यहाँ पर, कहते हैं कि जी वो एक बिक नहीं रहा, आप वाली बात आ जाती है ना फिर, वो काले जादू पर, वो जब तामीर हो चुका उसके बाद कार्रवाई की गई। माशाल्लाह देखे, आना जाना तो है, घर बन चुका है, ज्यादा गुंजान आबाद नहीं, लेकिन गैराबाद भी नहीं है इतना, अच्छा अच्छा घूम रहे हैं जी।
कहते हैं, बड़ा मशहूर है जी ये, जिससे पूछे आपको बता देगा इलाके में। लेकिन एक बात है, पता नहीं गर्मी की वजह से या कुछ, अब कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। रात में कौन होता होगा फिर? सन्नाटा सर। वैसे तो आधा तामीर, काफी घर देख रहा हूँ आधे घर तामीर है, छोड़ के चले गए। काफी गैप के बाद एक घर आता है, मुझे लग रहा है कोई नई आबाद हो रही है जगह, ज्यादा आबाद नहीं। यहाँ से कितना सफर बाकी है कामरान भाई? ये सर भाई कम से कम 20 मिनट। अच्छा जी, 20 मिनट मजीद है। जी जी, और चलते हुए आ रहे हैं यार। ये आबादियां देख रहे हैं आप, जैसे वक्फे वक्फे से आबादियां नजर आ रही हैं आपको। शेड भी देख रहे हैं, बर्बाद हुए हैं, खत्म हुए हैं शेड। ऐसे ही जो है ना, मेरे ख्याल से वो आबादी है। तकरीबन जी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, इसी एरिया के अंदर ही वो घर है। आप देख रहे हैं आबादी है, रौनक भी है, आना जाना भी है। लेकिन ये यहाँ के लोकल्स हैं जी, हमें लेके जा रहे हैं सामने, वो देख सकते हैं। उस बाइक को फॉलो करना है हमें। काफ़ी घर बने हुए हैं, लेकिन आप देख लें कि रोड ज़रा अच्छा सा है। वैसी पहाड़ियाँ जैसे हमारे यहाँ बन रहा है इलाका, लेकिन आगे घर काफी बने हुए हैं। अच्छा नोट कर रहे हैं, ये भी जंगल में ही एक तरह कोशिश की है इसको काटने की। फिर भी जो वैसे तो नहीं, वो साइड पर हम गए थे, बाद में पता चला था कि वो कब्रिस्तान था पहले। हो सकता है ठट्टा तो वैसे ही बहुत कदीम शहरों में आता है हमारे, क्या पता होगी। अब यार इन मकानों में कोई एक मकान ऐसा हो सकता है कि देखें कई मकानात बने हुए हैं यहाँ पर, कहते हैं कि जी वो एक दिख नहीं रहा। आप वाली बात आ जाती है ना फिर, वो मकाले जादू पर, वो जब तामीर हो चुका उसके बाद कार्रवाई की गई। माशाल्लाह देखें, आना जाना तो है घर पर, ज्यादा गुंजान आबाद नहीं है, लेकिन गैर आबाद भी नहीं है इतना। अच्छे अच्छे घूम रहे हैं जी। कहते हैं बड़ा मशहूर है जी ये। अंधेरा हो जाता है, बस सारे पर अपने भाग जाते हैं, कोई मेरा काम वाम नहीं होता है।
पत्थर पत्थर लगते हैं ये वो। यार ये बड़ी अजीब बात बताइए, वाकई यार नजर आ रहा है, रिकॉर्ड हुआ है सामने, पीछे तारे हैं, इसके आगे से तारे नहीं है, मतलब इसके ऊपर से जो तारे जानी थी वही नहीं है यार। जाज़ हुआ क्या है यहाँ पर? ये रात को पत्थर पत्थर लगते हैं इसलिए कुछ चिलेले बिलेले पता नहीं क्या है, हम लोग पत्थर लगते हैं। आप तो यहाँ के मुकीम हैं यार? नहीं, दो बंदे हमारे खुद इधर से पागल हो गए थे, लमा के छोड़ दिया, कुछ क्या हो गए, पागल हो गए जी, उसको लग गए ना पीछे जिनमें टटेरी ना। तो आप कह रहे हैं कि शाम होते ही चले जाएंगे? अच्छा मैं दिखाऊं आपको, सुरमें काफी आगे की वो देखें, एक बोरिंग टाइप की कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं आगे। कब से ऐसे मसाइल हैं इसमें? ये तो बहुत काफी टाइम हो गए, वक्त हो गया बहुत, तो घर कोई बना रहे नहीं है इधर, कोई फिलहाल लेके फंस गया कोई, इस लोगों ने नवे बंदे ले लेते हैं, किसको पता नहीं होता है ना। हाँ। हम लोग गांव वाले, हमारे को तो पता है पत्थर इधर रखते हैं, हम लोग रात को इधर तक उधर नहीं देखते, हम लोग कोई हमारे खेत पे थे इधर जाते हैं चक्कर वगैरह में, फिर हम लोग अपना दिन का काम कर लेते हैं पहले से, नवे बंदे उनको लगते हैं, वो हम लोग वाकूफ बंदे हैं ना। आपके सामने है जी सब, जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है आपके सामने है सब, ये बातें हमें नहीं पता थी कि आस पास भी जो है ना काम नहीं हो रहे, और शाम के बाद वो तो नजर भी आ रहा है ना, ना इस तरफ काम हो रहा है ना उधर, ना इसके बिल्कुल फ्रंट में। अच्छा बैक साइड का ये देखे ना, ये प्लाट की बाउंड्री उठाई उसके बाद काम नहीं हो रहा है। ये तो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है ना। अरे तारों का अजीब मामला बताया इन्होंने यार। लेकिन ये बाकी मकान जो बन रहे थे तो यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का तो बड़ा मसला, किसी मकान के बाहर नहीं लिखा हुआ मकान बराए फरोख्त, वाहिद मकान है जिसकी तीन दीवारों पे लिखा हुआ मकान बराए फरोख्त, और यहाँ लिख नहीं सकते तो शायद नदी थी पहले, गंदगी सारी यही जमा होती थी, इसका मकसद नदी बदी इधर थी, फिर बंदों ने कोई बड़े बंदों ने इधर लाल कपड़े बांधा था, अगर बची खुशबू आती थी, खुशबू नहीं है हाँ। वो आती जुमेरात को खुशबू आती थी इधर से, इधर से आती अगरबत्ती होगी, तो बगैर परमिशन तो नहीं बना दिया ना, जुमेरात को खुशबू आती थी पहले अगरबत्तियों की यहाँ से। अच्छा फिर बस इधर से, फिर लोग जो समझता है वो दूर से ही बस करके माफी हमें लेकर सलाम कर, दरगाह है कोई, अफसाना है कोई, अच्छा इधर से चले जाते थे, रात को नहीं आते थे कोई भी। क्या हो रहा है ये? जाते थे रात को नहीं आते थे कोई भी। क्या हो रहा है ये? मतलब कहने का आपका कि एक महसूस हो रहा है कि बेअदबी हुई है, कहते हैं यहाँ पर जुमेरात को खुशबू आती अगरबत्ती की, जो समझते अब आती है पहले से आती थी? नहीं पहले से, शुरू से, अभी तो नहीं आती, अभी तो बंदे से अभी पत्थर पत्थर मारते, अभी तो तंग हो गए ना ये लोग, इनका आस्थान अब खराब हो गया इधर। ये बोल रहे हैं कि पहले आती थी खुशबू, अभी नहीं आती है। पहले खुशबू आती थी, उसके बाद ये बना दिया, अब वो तंग हो गए हैं, अब ये बाकायदा पत्थर मारते हैं, और जो समझता है वो दूर से ही बस सलाम करके चला जाता है, अंदर कोई नहीं जाता। तो वही वाली बात जिसे हम कब्रिस्तान कह रहे थे, तो हो सकता है किसी हस्ती आराम कर रही हो कोई यहाँ पर, किसी की गुजरगाह हो, कोई जगह ऐसी हो, लेकिन ये सब हो सकते वाली बात है, कंफर्म बात कोई नहीं है। तो किसी को बुलाया नहीं यहाँ पे, कभी दिखाया नहीं कि मसले है क्या? हम लोगों ने बंदों को पता था, सारों को, जो नवे बंदे हैं उनको पता नहीं है, जिसने ले लिया प्लाट ये फिर खुद छोड़ के भाग गया इधर से, तो इसका कोई हल नहीं है? हल तो नहीं है अभी कोई, यही जगह इसका, हम तो मानते इधर है कुछ, हम लोग खुद इधर पहले पत्थर लगे थे इधर, आपको हम लोगों को, हम लोग तो देख रहे थे उसको, हम लोग तो बच्चे थे, वो बड़ा था, मेरे अबू की उम्र का था, बड़ा था, पर हम लोग जवानी में उसको देख रहे थे ना, जब ये असर था, फिर पड़ा हुआ था घर पे ही, फिर अपनी में इधर गर्दन बदन ऐसे ऐसे हिला के चलता था, पहले गर्दन सही चलता था, फिर उसको बाबरी ने शुरू हो गया हाथों बातों में ये हुए, फिर वो अपनी में जाता था बस,
बातें बातें करके किसको भी नहीं पहचानता था, अपने बच्चों को भी नहीं पहचानता था। तो ढूंढा नहीं उनको किसी ने? बहुत बंदों ने ढूंढा, नहीं मिला। तस्वीरें लगाया, ये लगाया, कोई पता ही नहीं उसका। रिंदा बंदा गैब हो गया। पुलिस में हर चीज़ दे दिया, फिर पुलिस में, थानों में, नेट में दिया उसको, मोबाइलों में तस्वीरें वस्वीरें बेचा उसको। कोई क्या लगता है, कोई गलती हो गई थी उनसे यहाँ पे? ये पता नहीं है, कोई गलती हुई होगी। था उनके बच्चे बच्चे होंगे, ये ऊपर से गुजरा होगा था उधर से, ये दीवार नहीं थी ना बाउंड्री पहले। हो सकता है कुछ ऐसी हालत में गुजरा होगा। कई ऐसे लोग, मैं कई वाक्यात आते हैं जी मेरे पास कि पेशाब की नीयत से बैठ जाते हैं, हालांकि हमें बचपन से पता है कि भाई तीन बार खांस लो, कह दो कोई है तो हट जाए। कई इसके जुमले भी बने हुए हैं, पोश पोश असी अन्य थे बेहोश, कई जबानों में जुमले बने हुए हैं कि खांस लो, बोल दो कोई है तो हट जाए। वो भी इमरजेंसी में, शुगर पेशेंट्स होते हैं, नहीं कंट्रोल कर पाते, छोटे बच्चे होते हैं। नहीं तो हम भी यार कहाँ कहाँ नहीं गए, हम तो कभी ऐसे नहीं, यकीन करें 12-12, 15-15 घंटे हम एक जगह पर रहे हैं, यकीन करें, इंतज़ार कर लिया है, मस्जिद चले गए हैं, किसी घर चले गए हैं, ऐसे कभी नौबत नहीं आई बगैर पानी के और बगैर इस तरह के ना। फिर चलो गांव देहातों में समझ आता है मजबूरी है, तो वो फौरन इस्तंजा करते हैं, एक मखसूस जगह बनाई हुई होती है। इस तरह की जो कोशिशें होती हैं ना कि हर जगह जाके नापाकी कर दें आप, ये तो हम जानते हैं कि वो बसते हैं। और ये जगह अभी वीरान लग रही है, तो सोचें पहले जब ये नहीं बनी होगी तब कितना वीराना होगा। यहाँ पे जंगल है, पहाड़ियाँ हैं, सब है। आप तो ऐसी गलती नहीं करते कभी बाहर? नहीं नहीं, हम तो तौबा करते हैं इधर, है ना। समझाया हुआ है ना बच्चों को सबको कि बाहर नहीं बैठना कभी, नाम मौके से गुजरते हैं, बंदा नया धोया नहीं होता है, पलीदी हो जाती है बंदे के साथ ना, तो ये तो उसके पीछे लगते हैं। फिर सुन दादा, ये भाई गांव के बंदे हैं जिनकी ये समझ हुई हुई है कि नापाकी में, पलीती के अंदर ये फॉलो करती हैं आपको, ढूंढती हैं ऐसी मखलूकात। मैं कहता हूँ ना, नापाकी में दावत देते हैं आप। सर निशानियाँ देख रहे हैं आप? 1, 2, 3 और इतनी लंबी अंदर गई अभी। और भी होंगी, आसपास भी होंगी, संभाल के। यार इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? ये सेकंड भाई, हाँ एक सेकंड अभी। हाँ किसी छेड़ में क्या कह रहे हो? बोलो कोई चीज फेंकते हैं ना, आ जाएगी बाहर। सुल भाई ये उठाओ पत्थर यार, देखो सुल भाई, मैं उसको साइज सही से रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। इसके पीछे गई है, इस ब्लॉक के पीछे, ये बड़े वाले ब्लॉक के पीछे। डंडा है कोई? कोई ये वो तो डर के और नहीं निकले। ये वाला डंडा सुल भाई थोड़ा उठा ना। नहीं 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 करिए। हाँ आप उठाओ, आप उठाओ जी। एक सेकंड, तो एक नहीं होंगी, कई होंगी इसके अंदर। इसका मेरे घर में जगह यही है की ना, जगह ही है। ये कोने वाला कांटा मारो अंदर, वो नोक है ना ये, हाँ इसको घुसाओ अंदर, ब्लॉक के अंदर घुसाओ, वहाँ से घुसाओ। बहुत पतला है भाई, क्या गिरगिटों का कब्रिस्तान है क्या ये? हाँ हाँ और भी होनी चाहिए। हाँ अभी गई सजा भाई है, अभी अंदर चली। ये देखो कोई चीज भी निकल रही है सजा भाई अंदर से, उसकी दुम होगी। दुम बहुत लंबी है वो, कोई बड़ा होता ना वो बड़ी कैसे है इसके अंदर इतनी, और एक गिरे ना, एक दो तीन वो चार लंबी वाली याद है आपको? मुझे तो वो बिल्लियों का कब्रिस्तान याद आ गया डिफेंस के अंदर जो था। ये जब से उतरे हैं गाड़ी से भाई, जब से आ रही है, जब से आ रहे हैं। ये टटेरी हैं जी, और हमारा तजर्बा ये रहा है जहाँ जहाँ इसने हमारे साथ शोर किया है ना, वहाँ वहाँ में लग पता गया है। अक्सर ये रात में होता था, यहाँ तो शाम से ही शुरू हो गया। गाड़ी खड़ी की और ये शुरू हो गई। स्मेल होगी अंदर बहुत ज़्यादा।
यार अंदर का टेम्परेचर तो देखें। निशानियां तो जी सामने हैं, आपके सामने है, पता चला सब। कहते हैं शाम के बाद यहाँ के बाहर से कोई नहीं गुजरता तो अंदर क्या होगा। इसके ऊपर से तार तक नहीं गया। आपके सामने इतने सारे, इसको उर्दू में बड़ा छिपकली कह लें, इंग्लिश में तो मेरे ख्याल से मॉनिटर डिजर्ट कहते हैं। चार चार अंदर मरी हुई हैं और एक इतनी बड़ी जिंदा भी है, हमने देखी। अल्लाह करे रिकॉर्ड हुई हो सुबह के कैमरे में। अंबार होगा यहाँ पे, दीमक की दीवारें देख लें आप, चेक कर लें आप दीमक को। चेक ही मैं तो परेशान हूँ दीमक से यार। अच्छा कहीं के मुझे अल्लाह ख्याल करे छिपकलियों जैसी फील आ रही है, नज़र आ रही है, होंगी बहुत दीमकों के अंदर होंगी सचपे। खैर अभी भी जी शाम है इसलिए हम हैं यहाँ पर, इन तमाम वार्निंग्स के बावजूद इसलिए अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं शाम है। लेकिन मैं बताऊँ तबीयत भारी हो रही है, सर भारी हो रहा है। मैं तो जब पहले इसको बाहर खड़े होकर देखा तो मुझे चक्कर आया बकायदा, गेट भी अजीब सा लग रहा था कि कहाँ आ रहे हैं। ये दादा ये चेक किया आपने? ये इसका लॉक नहीं, ये अभी देख रहा हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है कि मार के तोड़ा गया है। खुला हुआ गेट पाया है जी हमने, इतना मशहूर है ये। एक रात चलते हुए मुसाफिर से बात की हमने जो यहाँ का इलाका मकीन निकला, उसने क्या कहा है आपके सामने। आए बिस्मिल्लाह। खुले हुए हैं दरवाजे खिड़कियां, भारी हो रही तबीयत, डर खौफ नहीं होता कि वैसे नहीं कि कुछ होगा, आवाज आएगी पत्थर लगेगी या तो छत गिर जाएगी या दीवार, ये वहम हो रहा है मतलब। दिल नहीं मान रहा अंदर रुकने का, फिर करें तबीयत भारी हो रही है, बाजार हो रही है। मैंने यार इतनी दीमक मतलब इतनी रिकॉर्डिंग की है दीमक को, फर्स्ट पे मैं यार दिमाग ख़राब हो रहा है, मैंने कभी नहीं देखा यार, कभी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये भी धस जाएगी अंदर। अब वही तो कह रहा था आपसे कि ज़मीन पर दीमक लगी हुई है भाई। इतना बड़ा तो हमने देखा वहाँ पर, निकला बाहर वो मॉनिटर डिजर्ट। एक दो तीसरी कांगी, तीन बॉडियां तो मुझे ताजी नजर आ रही हैं। जो इनको मारा किसने, कैसे मर गई ये इतनी बड़ी होके? यार सर याद है हम एक जगह गए थे जो चिमकाड़ों का बहुत बड़ा मतलब कारखाना ही कह लें, वहां भी एक लिजर्ड अंदर गिरी हुई थी और मर गई थी। वो तो बहुत बड़ी थी, इससे बड़ी थी वो। ये रिकॉर्ड हुई है फिर भाई? यार ये मेरे पास तो हुई होगी डेफिनेटली, क्योंकि कैमरा उस वक्त मेरा वहीं था और मैं सजाद भाई को किसी बात का जवाब दे रहा था। मुझे लगता है यहीं कहीं और भी हैं। यहाँ जी कहाँ होंगी ना, इधर ही आओ, वैसे होंगी होंगी, इधर ही आओ, जरा झाड़ियों में ना ही जाओ तो बेहतर है। निशानियाँ जी मुकम्मल हैं सारी, बल्कि बड़के हैं जो हम महसूस कर रहे हैं ना फिजिकली यहाँ पे खड़े होके।
आसान नहीं है खड़ा होना, हवा चल रही, लेकिन उसके बावजूद भी भारीपन है अंदर, तो रुका ही नहीं जा रहा। कहा जाता है शाम के बाद अगर बाहर से कोई नहीं गुजरता तो अंदर क्या हाल होगा। पहले तो यहीं से देख लेंगे दादा, या पता नहीं अल्लाह खैर ही करे, मगरिब होने वाली है, चलें कोशिश करें किसी और से बात करें, पता करें यहाँ पर। ये थी, कोई इत्तफाक नहीं है, इन्होंने क्या कहा था कि ये सब चले जाएंगे शाम होने से पहले, अभी मगरिब नहीं हुई है, और यहाँ जो कितने मजदूर काम कर रहे थे मेरे सामने जा रहे हैं सारे, और मंदिर से तो काफी थे साथ, तो यहाँ भी काम कर रहे थे, वही तो 3-4-5 जा रहे हैं। अंधेरा पल जाए, पता है पत्थर पत्थर लगते हैं इधर, ये भी लागे के बंदे इधर के। अच्छा, यहीं से पत्थर आते हैं ऊपर? ये नहीं, कम जगह तो यही ना, खतरनाक जगह तो ये है। बना तो रहे, रहेंगे कैसे दादा, 15-20 मिनट में सब गायब। अच्छी बात है, शाम हो रही है तो क्या, मगरिब के बाद कोई नजर नहीं आएगा यहाँ पे? नहीं आएगा कोई भी, कोई होगा तो सामने गांव में होगा, तो वो घरों में अपने बैठ जाएंगे, बाहर नहीं। 25 मिनट है मगरिब में, ऐसी बात है, यहाँ से वो रोड देख रहे हैं वहाँ तक का सफर पैदल तय करना है उनको। हम आ गए, मेरे ख्याल से गाड़ियाँ तो बहुत मुश्किल आती है, सफर रास्ता ही नहीं है ना गाड़ी का, तो यार जज्बे क्या होगा मगरिब के बाद अगर हम यहाँ से गुजरेंगे तो हम लोग लगेंगे पत्थर लगेंगे इधर से, पत्थर हाँ नहीं पत्थर लगेंगे, आवाजें आएंगी इधर से, इलाके के लोग नहीं गुजरेंगे जी, उसको तो पता है ना, हाँ जो नवे बंदे होते थे 2-3 दिन इधर पत्थर पहाड़ियों में पत्थर पत्थर निकालते थे लोग, वो सारे इधर थे पहाड़ियों में, कोई बीमार हो गए, कोई सारे भाग गए इधर से, फिर रात पड़ती थी यही टाइम था, सारे चले जाते थे घरों में, अजीब आवाज आते थे ना इधर से। जाएंगे तो क्या होगा, कलमा पढ़ेंगे बस, जिक्र करें। अच्छा, मेरे भाई अगर अल्लाह ना करे रात को हम यहाँ रुकते हैं, ऐसा हमारे साथ कुछ होता है तो क्या आस पड़ोस वाले हमें देखने भी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे ना, कैसे आएंगे, रात को कोई निकलता ही नहीं है घरों से, बात है ना, किसी की मदद के लिए जाना चाहिए, कोई तो जाना चाहिए, कोई घरों से बाहर ही नहीं निकलते। अच्छा, तो वो तो साफ कह देंगे ना, आपको तो हमने मना किया, आप क्यों गए? ये खम्भों वाले भाग गए, ये तारे उधर से लगाई गाली इधर तक, तुम लोग देख सकते हो, इधर नहीं है, तो फिर हमने देख लिया यार। तो काम भी कर रहे थे वो आप लोगों के सामने, काम कर रहे थे लोग, सारे भाग गए। मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता शायद हम ही बचेंगे यहाँ पे, और कोई भी नहीं, यही लग रहा है सिर्फ हम ही बचेंगे, इसलिए मैं पूछ रहा था कोई अगर हमारी चीख पे कोई तो कह रहे हैं जाज़बे हम भी नहीं जाएंगे अंदर, ये भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे जाज़बे, ये भी तो यही बोल रहा है कि मैं मगरब का हमारा वो पता है यार, हमारा वो तुम लोग, मैं बता रहा हूँ फिर भी तुम लोग जाएंगे तो फिर आदमी होगा कुछ, अगर हम चीखते हैं रात को तो आप हमारे लिए भी नहीं, हम आएंगे ऐसे दूर से आएंगे, बस देख रहे हैं, बस अंदर नहीं घुसेंगे हम लोग। अच्छा जी, ज्यादा रात तो नहीं हुई है लेकिन मगरिब गुजर गई और अंधेरा हो गया है, ठीक है यार, गाड़ी दूर ही लगाऊं यहाँ से? नहीं, गाड़ी दूर है ना, गाड़ी दूर पत्थरों से भी पहले कोई लगाना। एक मिनट देखो यार, वाकई ना बंदा है ना बंदे की जात है भाई, इधर सुनना कि हमने शाम में आबादी देखी, लोग देखे यार, चेक कर रहे हैं यही घर है ना, सामने कह रहे थे ना बंदा होगा ना बंदे की जात होगी, वैसा ही मामला है पूरा भाई। ये चप्पल देखी थी हमने, ये वाली नहीं देखी थी, ये छोटे बच्चे की चप्पल, और एक इसका वो वहाँ है सर, गाड़ी यहीं सही है, पर दूर ही ज्यादा रात नहीं हुई जी, हम पहुँच गए यहाँ पर, और वाकई जो उन्होंने कहा था कि कोई इस तरफ नहीं गुजरता, हालांकि वो सामने घर है, दूर घर है, इधर घर है, लेकिन कोई नहीं है घर उस तरफ, फिर आपको रोशनी नजर आ रही है दूर फासलों पे, लेकिन यहाँ वाकई कोई गुजर नहीं है किसी के, चमगादड़े उड़ रहे हैं, चलें चलें चलें।
बच्ची की आवाज थी, बच्ची की आवाज में बाबा को। दो तीन आवाजें आ रही हैं, वैसी वैसे आवाजें बदल यार, दो तीन आवाजें हमारे बहुत पास से आई हैं। मुझे तो क्यों लगा भागता हुआ जाए वो करीब से, करीब कोई भी नहीं था। दूर रहिएगा यार, कामरान भी सही कह रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आवाजें बढ़ रही हैं। सोलो उधर उधर आवाज आ रही, नजर नहीं आ रहा। हाँ नजर नहीं आता, ये अचानक ही लगता है। उस तरफ चलो कमा लिया, आवाज ऐसी कर रही थी वो दीवारों पे कुछ ठोक रहा है जैसे। हो सकता है हमारी तरफ आ रही हो, लेकिन वो पत्थर हमें नजर थोड़ी आएगा, लगने के बाद ही एहसास होगा इस चीज़। अल्लाह यही होता है, होता है। भाई ये पत्थर नहीं है, नहीं नहीं पत्थर ही है, पत्थर ही है, पत्थर नहीं है। अल्लाह यही होता है, भाई ये पत्थर नहीं है, नहीं पत्थर ही है, पत्थर ही है, नहीं है। इतनी तेज आवाज, इतनी तेज आवाज पत्थर की है। लग के जब वो गिरता पता चलता है कि पत्थर है, नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आता। कई वाकयात ऐसे होते हैं, बहुत एहतियात से थोड़ा उस तरफ आता है, एकदम बहुत। चल भाई यहाँ पत्थर पड़े थे, वहाँ जानवर रो रहे थे पीछे, उसी वक्त मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जानवर रो रहे जी, और एकदम से पत्थर शुरू हो गए। वो सफेद कुत्ता भी सामने से गुजरा, हम अनजान थे यार, ना वो रुका ना भौंका, चला गया। हाँ कौन है? यार मैं क्या करूं, मुझे हर जगह से आवाजें आ रही हैं। यार तभी संभाल के संभाल के, ये कोई ठोक रहा है ऐसे लग रहा है। मुझे नजर नहीं आ रही, लग किसको रहे हैं ये? करीब मत जाइएगा, ये पत्थर नजर नहीं आ, मुझे नजर नहीं आ रही, लग किसको रहे हैं ये? दीवार की तरफ आ रहे, नीचे हमारे पैर के पास आ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा जहाँ किधर रहे। चलो ऊपर से भाई, कोई भी नहीं है भाईजान, देखें। सेम आवाज सुना चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कोई नजर नहीं आ रहा। वैसे ही शाम वाला माहौल लग रहा है, सन्नाटा बिल्कुल। लेकिन वो आवाजें कैसी थी यार, कोई अंदर जैसे कोई ठोक रहा हो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई दीवार पे मारा जा रहा है।
लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा, नजर तो कुछ नहीं आ रहा।